Good morning, student. How are you? I am Sumitra Amis. Today we learn science subject class 3, chapter 2. Now I am start our chapter 2 Animal and Plant. You have already read about how living things are different from नॉन लिविंग थिंग आप पहले भी पहले ही जीवित चीज़ों और जीवित चीज़ों और निर्जीव चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन बींग सो ऑल द फीचर ऑफ लिविंग थिंग पौधे जानवर और इंसान की सभी विशेषताओं को बताती है कि वे जीवित चीज है यानी कि लिविंग थिंग है डिस्पाइट सिमिलरिटी दैट प्लांट एंड एनिमल सो दे ऑल्सो हैव मैनी डिफरेंस बिटवीन देम पौधे और जानवरों को के बीच देखने वाले समानताओं को के बावजूद भी उनके बीच कई मतभेद होते हैं इसके बारे में दिया गया दिस प्लांट एंड एनिमल सो दे आर हैव मेनी डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व एनी वन एनिमल एंड ए प्लांट राइट फाइव डिफरेंस बिटवीन देम बिसाइड ए किसी एक जानवर और एक पौधे को निरीक्षण करें और उनके बीच के पांच अंतर को लिखें मूवमेंट यानी कि आंदोलन करना आंदोलन यू ऑल नाउ दैट एनिमल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर आप सभी को ये पता तो होगा कि जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं दे शो आर ए वैरायटी इन देयर मूवमेंट वे अपने आंदोलन में एक किस्म के आंदोलन करते मतलब अलग अलग तरह के वो आंदोलन करते हैं फॉर एग्जाम्पल स्विम फ्लाई एंड रन उदाहरणों के लिए दिए हैं इसमें चलना, सरकना टेरना उड़ना और दौड़ना दे मूव हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड वाटर एंड शेल्टर वे अपने एक स्थान से दूसरे स्थान इसलिए जाते हैं खाना पानी और सेल तैरने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं दिस एबिलिटी इज कॉल्ड लोकोमोशन इस अरमानता को हरकत कहा जाता है जैसे दिस एबिलिटी इज कॉल्ड लोकोमोशन इस अरमानता को हरकत कहा जाता है प्लांट डू नॉट सो लोकमोशन पौधे नियंत्रण नहीं होते हैं मतलब पौधे में नियंत्रण नहीं दिखते हैं दे रिमेन फिक्स्ड टू दी ग्राउंड वे एक ही जगह पे स्थिर रहते हैं वे जमीन के अंदर ही मतलब जमीन पे ही स्थिर रहते हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव टू सर्च फॉर फूड और वाटर क्योंकि वे भोजन वे अपने भोजन और पानी के लिए यहाँ वहाँ नहीं जाते हैं दे प्रिपेयर दियर ऑन फूड एंड एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सोइल वे अपने भोजे वे अपने खाना खुद बनाते हैं कहाँ से बनाते हैं पौधे के कुछ हिस्से से वे अपने खाना खुद बनाते हैं ओनली सम प्लांट ऑफ सम ओनली सम पार्ट्स ऑफ प्लांट सो so, मूवमेंट कुछ ही पौधे के हिस्से जो रहते हैं वो क्या करते हैं आंदोलन करते हैं जैसे कुछ-कुछ पौधे इधर से उधर आंदोलन करते हैं उतने ही दूर में ज्यादा दूर में उतने ही दूर में आंदोलन करते हैं न्यूट्रिशन यानी कि पोषण एनिमल कैन नॉट मेक देयर ओन फूड पशु जो जानवर जो रहते हैं वो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं दे डिपेंड डायरेक्ट और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट और फूड वे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पौधे पर निर्भर होते हैं फॉर एग्जाम्पल गोडर रेविट गोडिट इटीसी जैसे कि उदाहरण में दिए हैं बकरी हिरन और खरगोश इत्यादि मतलब आदि है ना इट प्लांट ये सब क्या खाते हैं ये तीनों बकरी खरगोश और हिरन क्या खाते हैं प्लांट खाते हैं पौधे खाते हैं एंड टाइगर लायन वॉल्स इटिस और जो शेर सॉरी एंड टाइगर यानी कि बाघ लायन शेर और भेरिया आदि ये सब क्या खाते इट एनिमल ये लोग क्या खाते हैं जानवर खाते हैं प्लांट हैव द एबिलिटी टू प्रिपेयर दियर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर्स वाटर एंड सनलाइट पौधे जो होते हैं वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसकी मदद से किसकी मदद से बनाते हैं वो हवा पानी और सनलाइट के धूप की मदद से वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं एनिमल इट प्लांट जानवर पौधे को खाते हैं प्लांट मेक फूड पौधे भोजन बनाते हैं यानी कि एनिमल ईट प्लांट इसमें इसे हिंदी लिख देते हैं एनिमल जानवर पौधे बनाते हैं ब्रेथिंग देखिए ब्रेथिंग यानी कि सांस लेना एनिमल लाइक टाइगर वेल मंकी इट इज ब्रेथ थ्रू दियर लंग

हेल्प देम टू ब्रेथ फीस जो मछली जो कहाँ से लेते हैं सांस से लेते हैं फ्रोक ब्रेथ थ्रो देर लंग्स एंड आपका जो हो गया वो कहाँ से लेते हैं सांस लंग्स से फेफरे से और त्वचा से लेते हैं इनसे लाइक बटरफ्लाई कॉकरोच है बटरफ्लाई और कॉकरोच ये सब के इसमें क्या होता है एक छोटा सा छिद्र रहता है जिसके द्वारा ये सांस लेते हैं Which help them to breathe. Plant breathing through small opening called stomata present on the surface of their leaves. पौधे जो कहाँ से सांस लेते हैं स्टोमाटा तो से वो कहाँ पे रहते हैं वो पत्ते के इसमें साइड साइड में, में रहते हैं जो छोटे छोटे छिद्र बना रहता है इसमें वो इससे वो क्या करते हैं सांस लेते हैं स्मॉल ओपनिंग इन इंसेक्ट यानी कि इसका हिंदी क्या कर देते हैं हीरे में छोटे उद्घातन गिल्स इन फिश यानी कि मछली में गलफारा ब्रीथिंग ऑर्गन यानी कि सांस लेने के अंग लंग यानी कि फेफड़ा फेफड़े स्टू यानी कि रंध्र सो so आज के लिए इतना ही रहने दीजिए नेक्स्ट दिन हम आप लोगों को रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे स्टार्ट करेंगे यहाँ से थैंक यू आप लोगों को कोई भी तरह के कन्फ्यूजन होंगे तो मुझे कंसल्ट कीजिएगा सो थैंक यू